तीन दिन पहले ही रियासी में मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है, उससे कला जगत साहित्य समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे, ये आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। आज़ादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। सांस्कृतिक परंपराओं और कला जगत के लिए एक नई सुबह, नई आशा और नई आकांक्षा का जन्म हुआ है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए कि जब भी समाज का सर्वांगीण विकास होता है तब लोक कला, साहित्य, विजुअल आर्ट जैसे क्षेत्रों में भी गतिशीलता पैदा होती है। आज झेलम रिवर फ्रंट के किनारे रात को जब बच्चे अपनी संगीत साधना करते हैं, कोई म्यूजिकल ग्रुप बैठकर संगीत का सुर छेड़ता है, तब वह सही मायने में कला की परंपरा को पोषित कर रहा होता है। आज जब दूर दराज के इलाकों में भी मुशायरा, सेमिनार, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, साम्य गज़ल जैसे अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है तो निश्चित रूप से उससे जीवंतता हमारी आगे बढ़ती है। आज ग्रामीण कलाकारों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने की कोशिश हो रही है, जगह जगह लोक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, कव्वाली हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, सूफी म्यूजिकल के कार्यक्रम हो, ये कलाकारों के एक दूसरे के साथ अनुभव कला की बारीकियों को समझने में मदद कर रहे हैं।